तो मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा है, आप देख रहे हैं अभी पूरा आसमान क्लियर है कल की तरह फिर से। तो ये भाई साहब हैं, रात में खाना खिलाया, हम लोग रुके थे ऐसे, मतलब हट भी हैं, हम लोग दो लोग थे तो हम लोग रुके थे इस टेंट के अंदर, टेंट अंदर लगा था तो रजाई थी उसके साथ में, और साथ में वहाँ बेड बिछे हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे उधर टेंट है, उधर टेंट है, उसके पीछे टेंट है, तो एक साथ मतलब करीब 20-25 लोग सो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो पिछला ब्लॉग आपने देखा कैसे कैसे हम लोग मतलब कैसे पहुँचे हैं हम जानते हैं, रात को 8 बजे के करीब पहुँचे, उसके बाद कुछ देर बैठे रहे, फिर खाना खाया, उसके बाद लेटे, लेकिन रात में नींद आई नहीं। फिर रात में ऐसा लग रहा था कि बुखार आ रहा है, सही गर्म हो रहा है, तो उसके बाद एक क्रोसिन खाई, क्रोसिन खा के फिर जाके नींद आई रात के 12 बजे, फिर सीधे 5 बजे खुली, तब देखा कि सूर्योदय हो चुका है पूरा, तो मंदिर है ऊपर टॉप में। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मंदिर के आपको दर्शन कराता हूँ इसी ब्लॉग में। तो सामने पीक से दिखाई दे रही हैं, उधर शायद वो त्रिशूल पर्वत है, नंदा घुंडी पर्वत है, ऐसे करके दिखें। यहाँ से जोशी मठ लग रहा होगा तो। हाँ, इस साइड को जोशी मठ ही होगा। हाँ, इस साइड को जोशी मठ। वो नंदा देवी भी हो सकता है। इस साइड को। हाँ। हाँ, वो नंदा देवी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ज्योग्राफी ना हिमालय की चेंज आती है, हम लोग कभी किसी व्यू से देखते हैं तो वहाँ से हमको पता रहता है, अभी इस व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ से हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो आप मैंने ठीक पीछे देख रहे हैं, रुद्रनाथ भगवान का मंदिर है, उसके पीछे वन देवता का मंदिर है, तो इस मंदिर के अंदर की फ़ोटो वोटो खींचना मना है, तो आप बाहर से देख लीजिए, और अंदर के दर्शन करने हैं तो खुद आ जाइए यहाँ दर्शन करने के लिए। तो ऊपर छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं बहुत सारे, इतनी दूर इतना भव्य मंदिर होना आसान बात नहीं है। हमारी जब आते आते यहाँ आते हाथ खराब होगी, तो जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया होगा सोचो उनको कितना परिश्रम करना पड़ेगा, उस टाइम पे कहीं और जगह गाड़ियाँ भी नहीं चलती होंगी नीचे तक। तो ऐसा कुछ नज़ारा है मंदिर से वैली का, ये नीचे पूरा पीछे पूरा हिमालय में ही बसा मंदिर है, देखिए पूरे पीछे हिमालय रेंज से है सारी की सारी, ये उधर को पूरा बुग्याल है, ऐसा कुछ नज़ारा है। कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। तो आई मेहनत सफल हुई यहाँ तक बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ये था पूरा रुद्रनाथ टेम्पल, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया इसका, क्योंकि तो ब्लॉग बहुत बड़े बड़े बन जा रहे हैं ना एकदम से, कल वाला तो पता नहीं कितने मिनट का बना, 20-25 मिनट का बन गया, और उस रिकॉर्डिंग करीब 1 घंटे की हुई है, लेकिन अब एडिट करके बाद 20-25 मिनट का वो ब्लॉग बना, अभी वापस जाना है उसका एक ब्लॉग बनेगा, तो मैंने कहा चलो आपको मंदिर मंदिर का दिखाते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना जरूर ना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।